सुभाष राजा ने चुराए धनंजय धड़कन के अब तक के सबसे बड़ा गाना। जी हाँ, ट्यूशन वाली मैडम गाना आप सभी को याद होगा। करीब आज से एक महीना पहले सुजय म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से जो कि धनंजय धड़कन के गाना रिलीज हुआ था, उस गाने को सुभाष राजा ने चोरी करके गा दिए हैं। लेकिन जानकारी देने से पहले दर्शकों को दे दूँ सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम जेपी राजा और आप देख रहे हैं 4 in 1 भोजपुरी। दरअसल ये मामला तब हुआ है जब आज सुबह सुभाष राजा के एक गाना रिलीज हुआ है जिस गाने का टाइटल रखा गया है एगो दुगो माल जरूरी बाटे। जी हाँ, ये गाना सुनने के बाद ये गाना का जो मेन लाइन होता है जिससे गाना अक्सर बजता है और जहाँ से गाना लोग सुनना पसंद करता है, वो लाइन धनंजय धड़कन जी के गाने से मैच कर गया है, जिसके बाद धनंजय धड़कन के फैंस सुभाष राजा के गाने को काफ़ी ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि सबसे पहले हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे धनंजय धड़कन के वो गाने को जो गाना अभी सुभाष राजा चोरी करके गाए हैं। तो सबसे पहले आप धनंजय धड़कन जी के गाने को देखिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये तो धनंजय धड़कन जी का गाना था। और आइए अब सुभाष राजा के गाने को आप सबको दिखाते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि पूरा मजरा क्या है। दोनों गाना सुनने के बाद आप सब डिसाइड कर लिए होंगे कि हाँ, वाकई में सुभाष राजा ने धनंजय धड़कन जी का वो गाना ट्यूशन वाली मैडम को चोरी करके गाए हैं। हालांकि इस पे धनंजय धड़कन के फैंस काफ़ी ज़्यादा सुभाष राजा को विरोध करना शुरू कर दिए हैं और इस गाने को भी काफ़ी ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हालाँकि ये गाना का पूरा तो लाइन मैच नहीं कर रहा है, देखा जाए तो ट्यून भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये गाना का जो मेन लाइन है वो धनंजय धड़कन जी के गाने से मैच कर रहा है, जिसके बाद धनंजय धड़कन के फैंस इस गाने को काफ़ी ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिए हैं। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुभाष राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो धनंजय धड़कन जी का गाना रिलीज हुआ है ट्यूशन वाली मैडम, एक 12 बजट के गाना था और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने इस गाने को सुने भी थे और रील्स पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था। व्यू के मामले में भी 5.5 लाख करीब ज़्यादा व्यू है ये गाना, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गाना था। लेकिन ये चोरी का मामला जो कि आज ही सुबह आया है, जिसके बाद हमने रिसर्च करके आप सभी को साबूत के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं, तो बाकी जो सच था वो हम आप सबके सामने रख दिए हैं लाकर। बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।